नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है वाक्यों की अशुद्धियाँ, यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर ये चित्र देखिए, दो बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है। लड़का बोलता है, तुमने स्कूल कब जाओगे? लड़की उत्तर दे रही है, सुबह में 7 बजे। तो क्या ये बच्चे शुद्ध वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य है, तुम स्कूल कब जाओगे? लड़की बोलेगी, सुबह 7 बजे। भाषा में अशुद्धियां या तो व्याकरण का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण होती हैं, या कभी कभी समान लगने वाले शब्दों के अशुद्ध उच्चारण के कारण। भाषा के शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण का मालूम होना बहुत आवश्यक है। जैसा आपका उच्चारण होगा, आपकी वर्तनी भी वैसे ही होगी। शुद्ध वर्तनी के लिए हमें प्रत्येक मात्रा का सही उच्चारण का पता होना बहुत जरूरी है। वाक्यों में अशुद्धियां देखिए, यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द हैं, यहाँ शुद्ध शब्द है। क्या आपका पत्नी घर में है? इसका शुद्ध रूप होगा, क्या आपकी पत्नी घर में है? राम और सीता वन को गई, शुद्ध वाक्य, राम और सीता वन में गए। आपका हस्ताक्षर चाहिए, शुद्ध वाक्य, आपके हस्ताक्षर चाहिए। दादाजी आ गया है, शुद्ध वाक्य, दादाजी आ गए हैं। चाकू को काटकर सेब दो, शुद्ध वाक्य, चाकू से काटकर सेब दो। पिताजी का आज्ञा मानना चाहिए, शुद्ध वाक्य, पिताजी की आज्ञा माननी चाहिए। बारिश से फसल नाश हो गई, शुद्ध वाक्य, बारिश से फसल नष्ट हो गई। बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ, शुद्ध वाक्य, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। और देखिए अशुद्ध वाक्य, दही बहुत खट्टी है, शुद्ध वाक्य, दही बहुत खट्टा है। अशुद्ध, मेरा नाना जी आया है, शुद्ध, मेरे नाना जी आए हैं। रेलगाड़ी कब आएगा, रेलगाड़ी कब आएगी? मैंने आम नहीं खाना है, शुद्ध वाक्य, मुझे आम नहीं खाना है। अशुद्ध वाक्य, तुमने कहाँ जाना है? शुद्ध वाक्य, तुम्हें कहाँ जाना है? अशुद्ध वाक्य, घड़ी में 12 बज रहा है, शुद्ध वाक्य, घड़ी में 12 बज रहे हैं। अशुद्ध वाक्य, कमल खिल गई, शुद्ध वाक्य, कमल खिल गया। अशुद्ध वाक्य, बस आया, शुद्ध वाक्य, बस आई। अशुद्ध वाक्य, शीतल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, शुद्ध वाक्य, शीतल तीसरी कक्षा में पढ़ती है। तो ये थे यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्यों को बताया गया था शुद्ध करके। तो आप इनका अभ्यास अवश्य कीजिएगा, तो आपकी वाक्यों में अशुद्धियाँ कम होंगी। मैं अगली वीडियो आपको और दिखाऊंगी, भेजूंगी, बनाऊंगी, इसी के लिए वाक्यों में अशुद्धियाँ किन प्रकार से होती हैं। धन्यवाद।